वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमिक एंड कंप्लीट क्लासेस में। मेरा नाम रंजीत। तो आज हम चर्चा करेंगे वैदिक काल। जैसा कि हम वैदिक काल से पहले हमने एक वीडियो बनाई भी है, आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा ओपन करके देख सकते हैं, और जिसमें हमने चर्चा की थी वैदिक काल को जैसे दो भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो काल था वो हमने बताया था आपको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल था उसका काल क्या था, तो उसका काल था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इससे संबंधित और भी हमने टॉपिक जो तथ्य हमने जाने थे, और उससे जुड़े और भी जो तथ्य हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, जैसा कि नंबर 1 में हमारा पॉइंट क्या है, जैसा कि नंबर 1 है ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी है, 33 करोड़। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई गई है। आर्यों के प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य शामिल थे। आर्यों के जो प्रमुख देवता में कौन शामिल थे, मरुत, रुद्र, सूर्य, सोम और आपके अग्नि। ये देवता हम किसमें चर्चा करते हैं, वैदिक सभ्यता में इनकी चर्चा हुई है, जो किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। तो हम जैसा कि हमने पहले बताया भी था आपको, ऋग्वेद यानी पुराना वेद है। हम नंबर पॉइंट में क्या है, जैसे गाय को ना मारे जाने वाले पशु को श्रेणी में रखा गया है, यानी गाय जो पशु होता है, गाय को जैसे हमारी माता कहा गया है, गाय जो भारतीय लोग कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, माता। तो इसकी तत्व में जैसे हमने टॉपिक जुड़ा है तो वो क्या है, गाय को ना मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के खिलाफ मृत्युदंड या उसे निकाले जाने की यानी देश से निकाले जाने की सजा दी जाती है। अगर जैसा कि कोई व्यक्ति गाय को अगर मारता है या घायल करता है तो उससे या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या उसे देश से निकाले जाने की सजा दी जाएगी। ये हम किस में जानते हैं, वैदिक सभ्यता में। तो यह वैदिक सभ्यता में कहा गया है गाय जो हमारी माता है उसको क्या रखा गया है, एक उच्च श्रेणी में रखा गया है। अब जैसा कि नंबर पॉइंट आपका अगला है, ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। जो ऋग्वेद काल है, ऋग्वेदिक काल का जो महत्वपूर्ण देवता है कौन है, इंद्र। इन्हें क्या कहा जाता है, युद्ध और वर्षा कराने वाले देवता के मध्यस्थ में रखा गया है, या वर्षा कराने वाले या दूध के मध्यस्थ में इनको क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। इंद्र का ऋग्वेद में क्या मिलता है, 250 सूक्तों में वर्णन। अब जैसे अगला पॉइंट में दूसरा स्थान ऋग्वेद में अग्नि का दिया है। दूसरा जो स्थान है ऋग्वेद में किसका दिया है, अग्नि का। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ था, यानी अग्नि का जो कार्य था वो मनुष्य एवं देवता के बीच क्या था, मध्यान्ह के बीच में ही था अग्नि का जो कार्य था। जैसा कि आप जानते हैं अग्नि का कार्य क्या है, अग्नि यानी ज्वाला जो कहते हैं, अग्नि पावक दहन, वो आपके पर्यायवाची के माध्यम से जाने जाते हैं जो हम बोलते हैं, जैसे अग्नि को ज्वाला, पावक, दहन, आग, जैसा कि आप जानते हैं। तो ऐसे क्या कहा गया, एक कार्य मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ था, किसका, अग्नि का। 200 सूक्तों में अग्नि का उल्लेख मिलता है। 200 सूक्तों में अग्नि का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये किसमें कहा गया है, ऋग्वेद में, और कौन सी सभ्यता में, तो आप कह सकते हैं वैदिक सभ्यता में। अब इससे संबंधित जैसे अगला पॉइंट है आपका ऋग्वेदिक कालीन देवता। अब जो ऋग्वेदिक कालीन जो देवता है उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, यानी उन्होंने अपने अपने जो मत दिए, यानी उनको किस श्रेणी में रखा गया है, उनको किस श्रेणी में रखा गया है और क्या कहते हैं, तो आप इसमें जानेंगे। जैसा कि इंद्र जो हम कहते हैं वर्षा कराने वाले देवता या युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। अब जैसे अगला पॉइंट जो अग्नि है, अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। अग्नि जो ज्वाला है वो क्या है, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ, यानी उनके बीच में रहती है, वो क्या है, आग, विष्णु। जैसा कि आप जानते हैं तीनों लोग के जो देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसमें आप विष्णु का जो वर्णन है तो उसमें क्या कहा गया है, विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता कहा गया है, किसको, विष्णु को, यानी विष्णु भगवान जो जानते हैं विष्णु के नाम से, तो उनको हम कहते हैं यहाँ पर विश्व के संरक्षक है और पालन करता है।
तो यह किसमें कहा गया है? आप कह सकते हैं वैदिक सभ्यता में यह कहा गया है कि विष्णु को किसकी उपाधि दी गई है यहाँ पर? विश्व के संरक्षक और पालन कर्ता की उपाधि दी गई है। अब जैसे अगला प्रश्न में अगर जैसे ये पूछा जाता है इंद्र को वैदिक काल में किसकी उपाधि दी गई है, तो आप कह सकते हैं वर्षा के देवता और युद्ध के नेता की। अब जैसे बरोड़े, बरोड़ से जैसे प्रश्न क्या है, जैसे बरोड़े जो है वैदिक काल में किसकी उपाधि दी है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं पृथ्वी और सूर्य के निर्माता माने जाते हैं बरोड़ को। बरोड़ को क्या माना जाता है? पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता और सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। तो यहाँ पर बरोड़ को अनेक स्थितियों में यहाँ पर बताया गया है, जैसे पृथ्वी और सूर्य के निर्माता कहते हैं बरोड़ को, और समुद्र का देवता कहते हैं, सत्य का प्रतीक कहते हैं, और ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता कहते हैं। तो आप किसको कहते हैं? सब बरोड़ को कहते हैं। अब जैसा कि इससे और भी जो देवता है इनसे संबंधित है वो हम यहाँ पर लिख कर जैसे और समझेंगे, और इससे संबंधित जैसे ऋग्वेदिक काल से और भी जो टॉपिक है उनको भी हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद आ गया आपका उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे, तो देखते रहिए। और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अब जैसे जानते हैं आगे जो हमने अभी बताया था, चर्चा की थी देवता के बारे में, चर्चा कर रहे थे जैसे यहाँ पर जो आप जो देवता है मरुद, तो उनको क्या कहा गया है वैदिक सभ्यता में? आंधी का देवता या तूफान का देवता। जो मरुत हैं, जैसे मरुत यानी मारुति भी कहते हैं, तो वो क्या है? तूफान के देवता और आंधी के देवता यहाँ पर कहा गया है किसको? मरुत को। अब जैसे नंबर पॉइंट अगला है उषा, उषा को क्या कहा गया है? जैसे प्रगति एवं उत्थान का देवता। क्या कहा गया है? प्रगति एवं उत्थान का देवता। किसे कहा गया है? उषा को। अब जहां पर लिखा हुआ है आपका पूषण, पूषण को क्या कहा गया है? पशुओं का देवता। आपका यहाँ पर आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का जो व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन एवं कृषि। तो इनका जो जीवन यापन होता था किससे होता था? कृषि करके और पशुपालन करके आर्यों का जीवन यापन होता था। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है आर्यों द्वारा खोजी धातु लोहा और तांबा दी। यहाँ पर लोहा को क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क, और तांबे को क्या कहा जाता? लोहित अयस्क कहा जाता था, लोहित अयस्क। अब जैसे अगला पॉइंट है आप यहाँ पर व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को परी कहते थे। व्यापार हेतु यानी व्यापार करने वाले जो लोग थे यानी व्यापार करने के लिए जाते थे दूर दूर तक देशों में, तो उनको क्या कहते थे? यहाँ पर परी कहते थे। अब जैसे अगला जैसे प्रश्न में अगर पूछता है जैसे परि कौन सी सभ्यता में कहा गया है, तो आप कह सकते हैं परि वैदिक सभ्यता में कहा गया है। किसको कहा गया है? तो जैसे जो आर्य थे, आर्य क्या करते दूर दूर तक देशों में क्या करते थे? व्यापार करने के लिए जाते थे। वो किसका व्यापार करने के लिए जाते थे दूर दूर तक देशों में? उनको कहा जाता था परि। अब ऐसा पॉइंट, ऋण देकर ब्याज देने वाला व्यक्ति को बैंकनोट सूदखोर कहा जाता था। यानी ऋण देकर जो ब्याज देने वाला व्यक्ति जो था ऋण भी देता था और क्या करता ब्याज भी देता था, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता था यहाँ पर? बैंकनोट कहा जाता था, जिसे कहते हैं सूदखोर। ये किसमें कहा गया है? आपका वैदिक सभ्यता में कहा गया है। अगला पॉइंट आप यहाँ पर मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। अब जैसे अगला पॉइंट यहाँ पर ऋग्वेदिक कालीन नदियों का यहाँ पर वर्णन है, जिसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। किसमें? ऋग्वेदिक काल में। और यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में नदियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो आप किसमें जानते हैं? वैदिक सभ्यता में जानते हैं। जैसे प्राचीन नाम है, यहाँ पर प्राचीन नाम में नदियों का क्या नाम है, आधुनिक नाम में नदियों का क्या नाम है, प्राचीन नाम में क्या है और आधुनिक नाम में यहाँ पर क्या है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं। जैसे प्राचीन जो नाम है आप कुब्र किस नदी को कहते हैं? तो ब्यास नदी को कहते हैं। और आधुनिक नाम जो खुर्रम है, और आधुनिक जो नाम कहते हैं वो भी ब्यास होता है और खुर्रम कहलाता है। और यहाँ पर जिसका प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। यानी जो ब्यास नदी है, जैसे प्रश्न में अगर पूछा जाता है वैदिक काल में विपाशा नदी किसको कहा गया है,
तो आप कह सकते हैं विपाशा नदी वैदिक काल में व्यास को कहा गया है, जो किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। अब जैसे खुबा, खुबा जो नदी है जिसका प्राचीन नाम है और यहाँ पर आधुनिक नाम में क्या कहा है उसे काबुल, फिर प्राचीन नाम में जैसे सदानीरा कहा गया है जिसको कहते हैं गंडक। अब जैसे कि आपने सुना भी होगा गंडक कोसी जो किसकी सहायक नदी है, वो गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक कोसी घांगड़ा ये इसकी सहायक नदी है, किसकी, गंगा नदी की, जो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से। अब जैसे यहाँ पर अगला जो पॉइंट है आपका विस्तस्ता, आधुनिक नाम है जिसको झेलम कहा जाता है, तो झेलम किसकी सहायक नदी है, वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, जिसका प्राचीन नाम दृष्टदती कहते हैं और जिसका आधुनिक नाम है घग्गर। आधुनिक नाम क्या है, घग्गर। अब जैसे यहाँ पर आप जैसे जैसे झेलम हो गई, अब रावी सतलज जो ब्यास जैसे हमने वहां पर जान ली, रावी और जो सतलज दो नदी और है जिनका प्राचीन नाम है। जैसे यहाँ पर जो अगली नदी है आप यहाँ पर जानने से हम यहाँ पर जान लेते हैं, अगली नदी जैसे रावी है, रावी और सतलज नदी जिसका प्राचीन नाम क्या है, जैसे राज भी जो नदी है उसका नाम सुवस्तु, प्राचीन नाम जानते हैं, रावी को प्राचीन नाम के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, सुवस्ति, सुवस्तु, और सतलज जो प्राय नाम से जानते हैं वो क्या है, सतुद्री, सतुद्री, यानी रावी का जो प्राण नाम है वो सुवस्तु है और सतलज का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, सतुद्री, और प्राचीन नाम रावी का क्या है, सुवस्तु। तो इन नामों से आप यहाँ पर किसको, रावी को जानते हैं और सतलज नदी को जानते हैं जिसका प्राचीन नाम है। अब जैसे रावी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज जो है वो किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताई थी गंडक जो नदी है, गंडक की जैसे घाघरा है, घाघरा कोसी जो ये नदियां वो किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, जिसको भारत की प्रमुख नदी कहा जाता है, जो भारत की क्या कही जाती है, सबसे बड़ी नदी कही जाती है, वो क्या है, गंगा, यानी पवित्र नदी है भारत की गंगा नदी, इनको नाम इस प्रकार नाम से जानते हैं। तो आपका यहाँ पर ऋग्वैदिक काल से जो भी टॉपिक थे यानी तथ्य थे यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम जानते हैं अगला उत्तर वैदिक काल, जैसे हमने अभी जाना बताया था उसका जो शासन, उसका जो काल रहा था, क्या रहा था, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। अब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य कौन कौन से जो तथ्य है उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। अब हम जानते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, जैसा कि हमने भी बताया था उत्तर वैदिक काल जो शासन रहा था, उत्तर वैदिक काल का जो काल जो था उसका क्या है, जैसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका काल है, इसका उत्तर वैदिक काल। अब इससे जुड़े जो तथ्य हैं उनको हम यहाँ पर जानेंगे, और इनसे जुड़े जो तथ्य हैं आपको अच्छे से कंटेंट यानी याद कर लेना है, और अब याद कर लोगे क्योंकि इसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। जैसे यहाँ पर जानते हैं, जैसा कि नंबर वन पॉइंट में लिखा है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय हुए थे, यानी इंद्र के स्थान पर कौन सबसे अधिक प्रिय हुए थे, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति बहुत अधिक प्रिय हुए थे। नंबर पॉइंट में अगला, जैसे राजा के राजभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था तब, तो जैसा यहाँ पर जो राजा का राजभिषेक होता था तब क्या कहा जाता था अनुष्ठान को, राजसूय यज्ञ, इसकी चर्चा किसमें की गई है, तो आप कह सकते हैं वैदिक सभ्यता में की गई है। अब जैसे अगला पॉइंट है, निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, निष्क और शतमान क्या थी, मुद्रा की इकाई, या आप ऐसे भी कह सकते हैं निष्क और शतमान जो थी मुद्रा की इकाइयां थी। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन जो है वो भारत के सभी दर्शनों में क्या है, सबसे पुराना है यानी सबसे प्राचीन है। जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, जो सांख्य दर्शन है वो क्या है, सबसे पुराना है या प्राचीन है, जिसकी चर्चा किसमें की गई है, वैदिक सभ्यता में की गई है। सतमेव जयते किससे लिया गया है, तो आप कह सकते हैं मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सतमेव जयते जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। यह प्रश्न में पूछ लिया भी आता है जो सतमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप कह सकते हैं मुंडकोपनिषद से लिया गया है सतमेव जयते को। अब जैसा कि यहाँ पर सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जैसा कि जैसा यहाँ पर जाने सत्यमेव जयते का, तो इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं
सत्य की हमेशा विजय होती है, जिसका अर्थ होता है जो किसे लिया है, मुंडकोपनिषद से लिया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, जो सत्यमेव जयते लिया गया है। आप जैसे ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक काल से जो भी ज्यादातर मंत्र लिए गए हैं वो आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो ये भी आपका कहां से लिया है, ऋग्वेद से लिया है, मुंडकोपनिषद से, जिस इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। एक टूटी नाव है जिससे तुलना की गई है, किसकी, जो सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से लिया है उसकी तुलना की गई है टूटी नाव से। अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो है, कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पाकी ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी कौशाम्बी जो जगह थी, कौशाम्बी एक स्थान था, कौशाम्बी नगर जो था वहां पे प्रथम बार पाकी ईंटों का क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था। तो कौशाम्बी में पाकी ईंटों का प्रयोग हुआ था वो आपका किसमें हुआ था, वैदिक सभ्यता में हुआ था। अब जैसे महाकाव्य है, महाकाव्य कितने, दो। जैसे महाकाव्य की अगर पूछा जाता है महाकाव्य की संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं महाकाव्य की संख्या दो है, जिसका एक नाम है रामायण और एक महाभारत। जिसका एक नाम क्या है, रामायण और महाभारत, ये दो नाम है जो क्या है, महाकाव्य, सबसे बड़ी महाकाव्य कहलाते हैं महाभारत और रामायण। अब जैसे महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता, महाभारत का जो पुराना नाम क्या था, जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो महाभारत है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसका नाम पुराना नाम क्या था, जय संहिता था। और जो गोत्र नामक संस्था है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र जो, जैसे आप जानते होंगे, जैसे सभी जो कास्ट वगैरह होती हैं अलग अलग बांटी गई हुई हैं अलग अलग कास्ट में। अब जैसे जो उनके गोत्र होते हैं तो अलग अलग गोत्र के जो बताए जाते हैं, तो ये आप इसमें कह जाते हैं, ये आपके कह जाते हैं वैदिक सभ्यता में। अब जैसे जो गोत्र शब्द है, जैसे अगर प्रश्न पूछा है गोत्र जो शब्द लिया गया था कहाँ से लिया गया था, तो आप कह सकते वैदिक सभ्यता का एक शब्द है जो कहलाता है गोत्र। ये गोत्र नाम की संस्था थी, क्या थी, संस्था, जिसका जन्म हुआ था कहाँ से, उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से हुआ था किसका जन्म, गोत्र नामक संस्था का। गायत्री मंत्र सबरत नामक देवता को संबोधित है, गायत्री मंत्र है वो किसको संबंधित है, किससे संबंधित है, वो आपका देवताओं से संबंधित है, यानी सबरत, सबरत नामक देवता को संबोधित करता है गायत्री मंत्र, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। अब जैसे प्रश्न अगर पूछा जाता है गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है, तो आप कह सकते हैं ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। अब यहाँ पे जैसे अगला पॉइंट है, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। अब जैसे लोग वगैरह थे, लोगों को आर्य बनाने के लिए जो विश्वामित्र है उन्होंने किसकी रचना की है, गायत्री मंत्र की। वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर क्या हुए, निर्धारित हुए थे। इस प्रकार आपके यहाँ पर उत्तर वैदिक काल से जो भी तथ्य थे यहाँ पर हमने बताए आपको। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित जैसे हमने वैदिक सभ्यता हो गई आपकी यहाँ पर समाप्त होती है वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता में जो हमने दो भागों में इसको बांटा गया था, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल से जितने भी तत्व थे हमने जाने, और उत्तर वैदिक काल से जितने तत्व थे हमने जाने, और इससे संबंधित जैसे हिस्ट्री से संबंधित और भी हमने जो पार्ट बनाए आप उनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा ओपन करके सभी पार्टों को देख सकते हैं। तो हम अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।